व्हाट शुड यू डू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। एक बार एक लड़का था। एक बार एक लड़का था। वंस देयर वॉज ए बॉय। वंस देयर वॉज ए बॉय। उसे अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक था। उसे अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। लेकिन उसकी याददाश्त अच्छी नहीं थी। लेकिन उसकी याददाश्त अच्छी नहीं थी। बट ही डिड नॉट हैव अ गुड मेमोरी। बट ही डिड नॉट हैव अ गुड मेमोरी। वह कठिन शब्दों को याद नहीं कर सका। वह कठिन शब्दों को याद नहीं कर सका। ही कुड नॉट मेमोराइज द डिफिकल्ट वर्ड्स। ही कुड नॉट मेमोराइज द डिफिकल्ट वर्ड्स। वह उन्हें सीखने की कोशिश करता लेकिन जल्द नहीं ही भूल जाता। वह उन्हें सीखने की कोशिश करता लेकिन जल्द ही भूल जाता। ही वुड ट्राई लर्निंग देम बट सून ही वुड फॉरगेट। वह अंग्रेजी भाषा में कौशल हासिल करना चाहता था। वह अंग्रेजी भाषा में कौशल हासिल करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू एक्वायर स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज। ही वॉन्टेड टू एक्वायर स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक दिन उसने बीज से एक बड़ा कटोरा भर दिया। एक दिन उसने बीज से एक बड़ा कटोरा भर दिया। वन डे ही फिल्ड ए लार्ज बाउल विथ सीड्स। वन डे ही फिल्ड ए लार्ज बाउल विथ सीड्स। उसके पास उसने एक खाली कटोरा रखा। उसके पास उसने एक खाली कटोरा रखा। नेक्स्ट टू इट ही प्लेस्ड एन एम्प्टी बाउल। नेक्स्ट टू इट ही प्लेस्ड एन एम्प्टी बाउल। हर बार जब वह एक शब्द सीखता तो वह कटोरे में एक बीज डालता। Each time he learned a word, he would put a seed in the bowl. Each time he learned a word, he would put a seed in the bowl. उसने उस शब्द को दोहराया और उसी शब्द को बार बार दोहराते हुए एक और बीज को कटोरे में रखा। He repeated the word and placed another seed in the bowl, repeating the same word again and again. He repeated the word and placed another seed in the bowl, repeating the same word again and again. फिर उसने बीज से भरे कटोरे को वापस भरे कटोरे में खाली कर दिया और एक और शब्द दोहराने लगा। He then emptied the bowl filled with seeds back to the large bowl and began repeating another word. यही उसकी दिनचर्या थी। This was his daily routine. This was his daily routine. कुछ महीनों के अभ्यास के बाद वह अंग्रेजी में काफ़ी कुशल हो गया। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद वह अंग्रेजी में काफ़ी कुशल हो गया। आफ्टर सम मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस ही बिकेम क्वाइट स्किल्ड इन इंग्लिश। आफ्टर सम मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस ही बिकेम क्वाइट स्किल्ड इन इंग्लिश। इस प्रकार निरंतर अभ्यास और समर्पण के माध्यम से उसने भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ हासिल की। दस थ्रू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन ही गेन्ड ए वेरी गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। दस थ्रू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन He gained a very good command over the language.